इसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस वार्ता से हुई, जिसका बाद में बीजेपी ने जवाब दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी ने कहा, देश के कुछ सबसे बड़े उद्योगपतियों ने बैंक का लोन लिया था जो एनपीए में बदल गया था। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर, आपकी जेब से पैसा निकालकर, सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपतियों की जेब में डाला। ये नोटबंदी का लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णय ने देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी ने नोटबंदी को प्रधानमंत्री की गलती नहीं बल्कि एक बड़ा स्कैम करार दिया। राहुल गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी, भाजपा बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, मैं इस प्रेसवार्ता के बाद कह सकता हूं कि राहुल गांधी एक बहुत ही गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों से जेब से पैसा निकाल लिया गया। जेब काटना क्या होता है, मैं साधारण तरीके से बताता हूँ। ए से जेड तक कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि सर्वाधिक नक्सलियों का समर्पण नोटबंदी के दौरान हुआ था और इसके बावजूद राहुल गांधी नोटबंदी को गलत बताते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो उनमें से एक भी उद्योगपति का नाम बता दे जो बीते 4 सालों में अरबपति बना हो। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के पुरखों ने पैसा लूट लूट कर जो रखा था, जीप स्कैम से अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम तक, ये सारे नोटबंदी के बाद पैसे कागज के टुकड़े बन गए। रफाल पर कांग्रेस का हमला, बुधवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर वित्त मंत्री को चुनौती दी थी कि वो रफाल डील पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें। उन्होंने नाटकीय अंदाज में वित्त मंत्री अरुण जेटली को इसका जवाब देने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया था। गुरुवार को एक और ट्वीट कर राहुल गांधी ने वित्त मंत्री को चुनौती याद दिलाई। राहुल गांधी ने रफाल डील पर अपना पुराना स्टैंड दोहराते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार का एक सीधा मामला है। उन्होंने कहा, अनिल अंबानी ने कभी जहाज नहीं बनाए, वो 45,000 करोड़ रुपए कर्ज में हैं। अनिल अंबानी जी ने कंपनी कुछ ही दिन पहले खोली। दूसरी तरफ सरकारी कंपनी एचएएल है जो 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। कोई कर्जा नहीं है, उनके पास हजारों इंजीनियर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो हवाई जहाज 520 करोड़ का था उसे आपने 1600 करोड़ रुपये में क्यों खरीदा। बीजेपी प्रवक्ता का कहना था कि राहुल गांधी के पास कहने को कुछ नया नहीं है और रफाल पर बैठकर उनका करियर लॉन्च नहीं होगा।